जब अन्ना ने पहली बारी पिक्चर देखी, जब रफ कट था, तो एक अलग तरह की फिल्म देसी इकट्ठी है और आज जागरण का भी फेस्टिवल हिस्सा बनने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे हो? रिलीज से पहले फेस्टिवल में जा रही है। जी हमेशा अच्छा लगता है जब अपना खुद का काम सराहा जाता है और जब फिल्म फेस्टिवल्स में फिल्म दिखाई जाती है और उन्हें चूज़ किया जाता है, तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ प्रिविलेज फॉर द फिल्म एज वेल एज द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द फिल्म। सो अच्छा लग रहा है एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी बिकॉज जागरण फिल्म फेस्टिवल में बहुत टाइम से सुनती आई हूँ, लेकिन आज इसका हिस्सा हूँ और अपनी फिल्म के साथ हूँ, सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। किस तरह से टिया की जब हम बात करते हैं, आई होप यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, एक हॉरर फिल्मों की याद आ जाती है। दो ये हम सीरीज ऑफ द हॉरर टिया को कितने अलग अंदाज में पेश कर रहे हैं आप देसी कट्टे? वो आपको अभी देख के समझ आ ही जाएगा और लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी तक जिस तरीके का उनको मकाम मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला, और क्योंकि वो काफ़ी इंटेंस एक्टर है। जब अन्ना ने पहली बारी पिक्चर देखी, जब रफ कट था, तो सबका काम उनको बहुत अच्छा लगा, मगर उन्होंने तिया का कभी काम देखा नहीं हुआ था, तो उन्होंने मेरे को बैठ के कम से कम 2-3 बारी ये बात बोली कि यार ये लड़की तो कमाल है यार, मतलब उनके दिमाग से वो बात जा नहीं रही थी, तो वो मुझे लगता है कि वो इस बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है टिया के लिए, और इट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज जब इतने बड़े एक्टर जब भी आती हैं वो बहुत अच्छा एक यू नो बहुत कॉन्फिडेंट एक्टर है, लोगों को वो आइडिया नहीं है इस बात का। इंडस्ट्री आई थिंक इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट एंड आई एम रियली हैप्पी, और आगे तो let's see how the audience responds to it, but I'm really happy and really proud. Okay, aap maanti aap kahin kahin do you agree with this is baat se agree karti hai ki ye kahin aapki ek so called image jo hai, please जी हाँ बिल्कुल, देसी कट्टे में मेरा किरदार ही बहुत अलग है, एक इलिटरेट विलेज गर्ल है, अपनी उम्र से 5-6 साल बड़ी लड़की का किरदार निभा रही हूँ, तो इमेज तो मैं ये कहूँगी कि वो ब्रेक हो चुकी है, बट क्या होता है ना बिकॉज आई हैव जस्ट डन 2 हॉरर फिल्म, बट दोज 2 हैव बीन हिट्स यू नो, सो लोग उसको बहुत प्रोमिनेंटली यू दे रिमेंबर दोज 2 फिल्म, बिकॉज लंका आई didn't do that well and Identity Card was a very small film which is a critically jo abhi release hui hai jo aapko yaad bhi nahi hai, it's a critically acclaimed film, but somehow 1920 and Haunted are two prominent super hit films that I've given and both were horror, so wo logo ke dimag mein ghar kar gaye, so let's see now how it goes. Desi Katte se alag ji ha bilkul, I'm confident. Thank you sir. Thank you sir. Film release se pehle festival ka hissa ji, kya kehna chahenge ro? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी जो फर्स्ट फिल्म है वो जागरण फिल्म फेस्टिवल में लॉन्च हो रही है, एंड आई गेट टू यू नो गेट टू सी इट अ वेरी नाइस स्केल। आई थिंक फिल्म फेस्टिवल्स आर वेरी गुड फॉर मूवीज बिकॉज दे यू नो दे गिव योर मूवी अ स्टैंडिंग एट अ डिफरेंट लेवल, पीपल वॉच इट इन अ लिटिल डिफरेंट वे, दे लुक एट इट इन अ डिफरेंट लाइट, तो आई थिंक अच्छा होता है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके और सबसे मिल के और ये सब सेटअप देख के, और मैं कभी आया नहीं हूँ जागरण फिल्म फेस्टिवल के लिए, तो पहली बार आया हूँ एंड आई एम जनरली वेरी एक्साइटेड। साशा यू नो द वेरी फर्स्ट फिल्म बिफोर द फिल्म गॉट रिलीज इट इज देन द फेस्टिवल, क्या कहना चाहेंगे आप और किस तरह के किरदार में हम आपको देखेंगे? यू नो बहुत ही अलग किरदार है मेरी डेब्यू फिल्म औरंगजेब से, और बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि हमारी फिल्म में यू नो फिल्म फेस्टिवल जागरण फिल्म फेस्टिवल में एंटर की है, एंड एज अ स्टार्ट यू नो वे लॉन्चिंग इट थ्रू जागरण फिल्म फेस्टिवल, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अलग कैरेक्टर, बहुत ही देसी कैरेक्टर है, सो बहुत मज़ा आया इस कैरेक्टर को प्ले करने में, एंड ओवरऑल द फिल्म इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिल्म अबाउट 2 फ्रेंड्स, और दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो सबके दिल को छूती है, तो वे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड रिजल्ट्स एंड यू नो गुड टॉक्स। यू नो कहीं ना कहीं जब हम प्रोमो देखते हैं इट इट रिमाइंड अस ऑफ साथी व्हिच इज डायरेक्टेड बाय भट्ट साहब, यू नो आदित्य पंचोली एंड ऑल, डू यू एग्री विद दिस?
Well, you know, you have to watch the film. Just, you know, the look of the film, you can't compare it with another film. आपको कहानी देखनी पड़ेगी, फिर आपको जाके पता चलेगा कि असली में है क्या. मगर क्या है ना, मेरा जो किरदार है पाली, वो मुझे आनंद कुमार जी मेरे जो डायरेक्टर है, फर्स्ट डे ही मुझे कहा था कि यार जाके साथी देखना. आदित्य पंचोली जी का जो जो काम किया है सर ने उसमें, यू हैव टू वॉच दैट एंड लर्न फ्रॉम दैट, बिकॉज़ योर कैरेक्टर इज लिटिल बिट लाइक दैट. वो जो इमोशनल कैरेक्टर, मेरे कैरेक्टर में बहुत इमोशनल इमोशनल ग्राफ बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर नीचे बहुत, मतलब एक दिन वो इतना खुश होता है पावर पैसा है, एक दिन वो एकदम से, मतलब वो यू नो ही इज एंग्री, ही इज अपसेट विद लाइफ, इमोशनली बाइपोलर सिचुएशन. तो वो सिमिलैरिटीज़ तो दिखाई दे रहे हैं दोनों कैरेक्टर्स में, साथी का और पाली देसी कट्टे का. ओके, आपने बोला बहुत देसी लुक में होंगे, देसी आना है, लेकिन वो ग्लैमर का, यू नो, ग्लैमर का तड़का तो होगा फिल्म के अंदर शाशा की तरफ. ग्लैमर बहुत ही देसी ग्लैमर, यू नो, लाइक अ लॉट ऑफ शलवार कमीज एंड खुले लंबे बाल, इस टाइप का कैरेक्टर है. मगर बहुत मज़ा आया था इस कैरेक्टर को प्ले करने में, क्योंकि औरंगजेब में मैंने बिकिनी स्पोर्ट की थी, तो सेकंड फिल्म में एकदम से शलवार कमीज एंड अ वेरी वेरी देसी अवतार बहुत ही एक अलग चीज़ होगी फॉर द ऑडियंस टू सी. सो बहुत ही ग्लैमरस नहीं कहूँगी, स्वीट एंड सिंपल कैरेक्टर है, वेरी स्वीट सिंपल एंड वेरी क्यूट, वेरी बबली. थैंक यू सो मच. वेरी स्वीट सिंपल एंड वेरी क्यूट एंड बबली. थैंक यू.